अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा व्लॉग जिसमें मैं आपके लिए अपने रूम की सेटिंग्स जो है आपको दिखाऊंगी। और आज मैंने अपने रूम की सेटिंग्स चेंज करवाई। अब मैं आपको दिखाऊंगी आज के व्लॉग में कि मुझे अपने रूम की सेटिंग्स कैसे चाहिए थी। और अगर आप मेरे रूम की पहली वाली सेटिंग देखना चाहते हैं तो आप मेरे पिछले व्लॉग्स में देख सकते हैं कि पहले कैसे सेटिंग हुई थी और अब इसके बाद कैसे सेटिंग है हमारी। तो यहाँ बस सारी चीज़ें सारा सामान निकलवा के हो रही है हमारे रूम की सफाई। और बेड के नीचे से उफ ना पूछिए इतना ज़्यादा गंद निकला कि क्या बताऊँ मैं आपको। और यहाँ हमने अपने रूम की सारी चीज़ें बाहर निकाल के रखी हुई थी टीवी लाउंज में। और ये आप देख सकते हैं सारा जो जो कुछ फर्नीचर वगैरह हमने रूम से बाहर निकलवा दिया है। एक्चुअली मैं पख्तून हूँ और मेरे इन-लॉज जो हैं वो उर्दू स्पीकिंग है, तो मुझे जिस तरह की रूम की सेटिंग चाहिए थी वो एक्चुअली उर्दू स्पीकिंग जो भी लोग हैं मेरे ख़्याल से वो नहीं करते। तो मुझे चाहिए था कि नहीं, मुझे अपना रूम अपनी मर्ज़ी से डेकोरेट करना है, अपनी मर्ज़ी से उसकी सेटिंग करनी है। तो बस फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि बस अब हमने अपने रूम की सेटिंग चेंज करनी है। तो ये 2 दिन पहले की वीडियो थी, 2 दिन पहले का व्लॉग मैंने आज रिकॉर्ड किया है। तो अब यहाँ पे हो गई है रूम की सफाई सारी। एक्चुअली मैंने बीच में कोई काम किया भी नहीं था, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी, इतनी ज़्यादा थकावट होती हुई कि मैं बता नहीं सकती। सारा काम बाहर एक दो मज़दूर भी आए हुए थे और हस्बैंड भी साथ लगे हुए थे, लेकिन फिर भी चीज़ें रूम से इधर उधर छोटी मोटी चीज़ें करने से ही मैं इतना ज़्यादा थक गई। यहाँ हमने अपना रूम बिल्कुल खाली कर लिया था। और मैंने अपने रूम में एक्चुअली बिछाना था कारपेट और उसके बाद नीचे मैट्रेस बिछाने थे। तो इसके बाद आप देखिएगा कि मेरे रूम की सेटिंग कैसे हुई और कैसी लग रही है। तो यहाँ आ गया है मेरा कारपेट मेरे रूम का, बहुत ही खूबसूरत और लाइट कलर में है, मुझे बहुत पसंद आया है इसका कलर। और ये हमने मंगवाया था सदर से, मेरे हस्बैंड लेके आए थे, लेके नहीं आए थे मतलब पसंद करके आए थे, बट उन्होंने मुझे पिक्चर्स भेजी थी, मैंने पिक्चर्स में पसंद किया और उन्होंने लाइफ पसंद किया, तो हम दोनों को ही बहुत बहुत पसंद आया और हमने इसको डिसाइड कर लिया कि यही डलेगा। फाइनली फाइनली 4-5 घंटों के बाद हमारा रूम हो गया है रेडी। ये आप देख सकते हैं नीचे जो पीच पिंक पिंक सा लाइट बेबी पिंक कलर का जो था ये कारपेट बिछा हुआ है। और ऊपर जो इसकी है ना नेवी ब्लू और पिंकिश कलर में है कालीन थी हमारे पास, जो कि मेरी जहेज में आई थी और बहुत ही खूबसूरत ये कालीन है। तो मुझे ये सेटिंग चाहिए थी, मेरे हस्बैंड को भी। तो आप देख सकते हैं बेड की सेटिंग भी हमने चेंज कर दी है। बेड बहुत आगे था और बहुत इसने जगह घेरी हुई थी और अब हमारा रूम बहुत खुला हो गया है। और एक्स्ट्रा चीज़ें जहाँ इस साइड पे राइट साइड पे एक छोटा सा हमारा वो भी रखा हुआ था सिंगल बेड, वो भी मैंने निकलवा दिया है बाहर। और ड्रेसिंग टेबल की साइड भी चेंज करती है। और जो कर्टन्स आपको नज़र आ रहे हैं इतने खूबसूरत से कर्टन्स, ये मेरे हस्बैंड की चॉइस थी, बहुत खूबसूरत कर्टन्स हमने लगाए हैं और ये बिल्कुल कारपेट के साथ मैचिंग में थे। ये आप देख सकते हैं जो मैट्रेस बिछाया हुआ है ये भी मेरे साथ जहेज़ में आया था।
और मेरे घर में जो बैठने की जगह होती है वो ज़मीन पे ऐसे ही मजलिस टाइप बना के हम उस पे बैठते हैं मैट्रेसेस बिछा के। पहले बेड भी बहुत आगे था और अब मैंने बेड बहुत पीछे करवा दिया है, और ये खूबसूरत सा मेरा जो है बेडशीट, ये भी मेरे शादी पे मुझे जहेज में मिला था, मैंने खुद पसंद किया था, बहुत ही खूबसूरत। मुझे वीडियो देख के ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे रूम की सेटिंग कैसे लगी, पहले की सेटिंग कैसी लगी थी और अब की कैसी लगी है। तो मुझे कमेंट करके और ज़रूर ज़रूर बताइएगा कि मुझे इसमें और क्या एडिंग करनी चाहिए, या और कोई मशवरा मुझे दीजिए कि इसको मज़ीद किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। और रूम मुझे लगा कि बस 2 ढाई घंटों में सब सेट हो जाएगा, बट इसमें बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। 12 बजे से स्टार्ट हुआ और 5-6 बजे जाके इसकी सेटिंग कंप्लीट हुई, और इसके बाद रूम सेट करने की खुशी में हम रात को अपने इन लॉज के साथ डिनर पे चले गए थे। एक्चुअली ये रूम की सेटिंग नेक्स्ट डे की है जो कि मैंने इसमें ऐड की है, अदरवाइज़ उस दिन इतना टाइम नहीं था कि मैं रात को इतनी थक के फिर रूम की सेटिंग की जो वीडियो बनाती, इसलिए नेक्स्ट डे का था। और अब हम यहाँ आ गए हैं जगरंडा क्लब, फैमिली क्लब, जगरंडा फैमिली क्लब, यस। तो ये DHA में है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अमेजिंग रेस्टोरेंट है ये, यहाँ आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और यहाँ के खाने, ओफ माय गॉड, मैंने आज तक जितने भी रेस्टोरेंट्स में खाने खाए वहाँ से सबसे, DHA में जितने भी मैंने रेस्टोरेंट्स के खाने खाए, जिस जिस रेस्टोरेंट में मैं खा के आई वहाँ सबसे ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी डिलिशियस खाने यहाँ पे मैंने मुझे लगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दिखाते रहते यहाँ मैं अपने हस्बैंड और फादर इन लॉ के साथ आई थी, और मदर इन लॉ के साथ। तो हमने सोचा बस रूम सेट करने की खुशी में हम सब डिनर करते हैं, बल्कि मेरे हस्बैंड ने सोचा हम डिनर करवाते हैं अपने अंकल आंटी को। तो ये हम आ गए हैं जगरंडा फैमिली क्लब में, अब देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इनकी सेटिंग हुई हुई है, बहुत प्यारी जगह है, और म्यूज़िक सिस्टम भी था यहाँ पे, सिंगर्स भी बैठे हुए थे, गाने गाए जा रहे थे। खैर बहुत मज़ा आया हमें यहाँ पे आके। एक्चुअली हम पहले भी आ चुके हैं काफ़ी बार, बट जो फुल अच्छा वाला डिनर जो होता है वो आज फर्स्ट टाइम किया था, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद आया था हमें। और यहाँ अब हम टेबल सेट होने का वेट कर रहे हैं, और मेरे हस्बैंड जो है वो मेन्यू सेलेक्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है मेन्यू सेलेक्ट करने में, मैं बिल्कुल नहीं कर पाती, इसलिए मैं ये सारा कुछ अपने हस्बैंड पे छोड़ देती हूँ। तो यहाँ हमने डिसाइड किया था कि हमने क्या मंगवाना है, तो आप देखिएगा कि हमने क्या क्या मंगवाया है और उसका टेस्ट कैसा था।
पता नहीं ये बंदा क्या सोच रहा होगा कि मैं इसकी वीडियो क्यों बना रही हूँ। एक्चुअली म्यूजिशियंस थे यहाँ पे सामने बैठे हुए और मेरी साइड पे मुझे नज़र नहीं आ रहे थे कि मैं उनकी वीडियो कैसे बनाती। बाद में हस्बैंड ने बना दी थी तसल्ली से मेरे व्लॉग के लिए। और यहाँ हमने खाने से पहले ये जो मंगवाया था, क्या कहते हैं इसे, चीज़ नान, इट वॉज अमेजिंग, बहुत टेस्टी था ये। बाकी मेरे हस्बैंड को एक्चुअली चीज़ नान बहुत ज़्यादा पसंद है और हमने अक्सर खाते रहते हैं मुख्तलिफ़ जगहों में, बट ये वाला सबसे बेस्ट था। उसके बाद हमने मंगवाई थी शिनवारी कढ़ाई और एक बोनलेस मटन कढ़ाई मंगवाई हुई थी, साथ में एक लेग पीस बारबेक्यू। तो ये जो शिनवारी कढ़ाई थी ये थी उसकी, क्या कहते हैं, दुम्बे का गोश्त था और उसकी चर्बी में जो बना हुआ होता है वो बहुत बहुत टेस्टी। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। वो ठीक आप खा रहे हैं, वो शिवारी है। और ये थी बोनलेस मटन कढ़ाई। चारों चीज़ें बहुत बहुत ज़बरदस्त थी, हमें खा के बहुत मज़ा आया था। और ये जो साइड थी ये इस रेस्टोरेंट के बिल्कुल बैक साइड थी, आई मीन रेस्टोरेंट के बीच में ही थी बट बिल्कुल आउट साइड थी ये इसकी। ये इसका सारा किचन, बहुत ही बड़ा किचन था इनका जहाँ पे खाने बनते हैं और बहुत डिलीशियस, बहुत ज़बरदस्त खाने बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये। जी हाँ जी, और आज का व्लॉग अगर आपको मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग और मेरी रूम की सेटिंग कैसी लगी आप सबको। तो मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।